नमस्कार, स्वागत है सभी का भारत स्काउट एवं गाइड्स प्रायोजित वंस अ स्काउट ऑलवेज अ स्काउट कार्यक्रम में। तो मैं आपका होस्ट विवेक शर्मा आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। हमारे दर्शकों के लिए एक नई बात है कि आज एक नए होस्ट के साथ एक नया कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। तो ये आज का ये कार्यक्रम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वंस अ स्काउट ऑलवेज अ स्काउट, हमने अब तक मेलोडियस इवनिंग, मेलोडियस म्यूजिक इवनिंग्स का कारवां चलाया था। आज हम एक मोटिवेशनल इवनिंग लेकर के आए हैं। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेता हुआ मैं इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर दीप्ति का। तो डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं दीप्ति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना बेसिक सा एक परिचय दें कि आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूल तक रही है, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। वैसे तो एक स्काउट को और या रोवर रेंजर को परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबका एक ही परिचय होता है, हम सबका एक ही मकसद होता है। लेकिन फिर भी मैं अपना, मेरा नाम दीप्ति है और मैं प्रोफेशन से रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। और मेरी अभी मैं करंटली मैं जर्मनी में हूँ और मेरी पूरी स्टडीज इंडिया में हुई है। मेरी स्कूलिंग धर्मशाला से हुई है जो जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, और मेरा कॉलेज हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जो कि मेरे रोवर रेंजर्स की नींव भी है। और उसके बाद मैंने अपनी एमएससी जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, और फिर उसके बाद फिर मैंने पीएचडी करी है आईआईटी कानपुर से, और फिर अभी मैं यहाँ हूँ। तो यही मेरे बारे में। तो एक बहुत मोटिवेशनल सी स्टोरी है आपकी, मतलब किस तरह आपने धर्मशाला से शुरू किया और आज आप कहाँ जर्मनी में हैं। तो हम सब जानना चाहेंगे कि आप स्काउटिंग मूवमेंट के साथ कब और कैसे जुड़े, स्काउटिंग आपने कैसे शुरू की? तो स्काउटिंग मूवमेंट के साथ मैं सबसे पहले कॉलेज में जुड़ी, क्योंकि हमारे स्कूल में ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सो सबसे पहले बीएससी फर्स्ट ईयर में मेरी मैम है सविता मैम, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया और हमें इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। तो हम धर्मशाला कॉलेज का फर्स्ट बैच एज रोवर रेंजर्स थे और मुझे उसका पार्ट होते हुए बहुत गर्व है आज। और मैं इसका श्रेय, मेरा रोवर रेंजर से जुड़ने का श्रेय सविता मैम को ही देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें इसका बताया कि अनकंडीशनल लव, सेल्फलेस सर्विस, ऐसे मोटोज हैं। तो और बेसिकली क्योंकि हम साइंस बैकग्राउंड से हैं और हमारे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इतना महत्व नहीं देते हम लोग, बट मैम ने क्यों बोला और फिर हमें लगा कि नहीं, समथिंग वी शुड ऑल्सो डू, सो वी आई थॉट कि इट इज गुड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो उस तब हमने अपना स्काउट गाइड में, रोवर रेंजर्स में मैंने अपना पहला कदम रखा था। आप डेट बता सकते हैं कौन से सन की बात है ये, मतलब किस सन? ये है 2007 की बात। तो ये तो बहुत, मतलब 2007 जिस समय हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे। तो आपने मेंशन किया डॉक्टर सविता मैम के बारे में, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि डॉक्टर सविता मैम आजकल स्टेट कमिश्नर रेंजर के तौर पर काम कर रही है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में, और वो हिमाचल प्रदेश की सेकंड हाईएस्ट पोजीशन है इन रोवरिंग एंड रेंजरिंग। तो ये आपके लिए भी एक प्राउड मोमेंट है और हम सबके लिए भी प्राउड मोमेंट है कि सविता मैम आज एसोसिएशन में हम सब की तरक्की के लिए कार्य कर रही हैं। जी। तो हम अब जानना चाहेंगे आपसे कि जो स्काउटिंग है आपकी और आपका प्रोफेशन है, आप साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखती थी, हमारे साथ बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक है जो कि साइंस बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है साइंस फैकल्टी वालों के पास, तो आप किस तरह एक्टिविटीज को मैनेज करती थी और किस तरह अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती थी, तो इस बारे में आप बताना चाहेंगे? हमारा साइंस में जैसे आपको पता है लैब्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लासेस होते हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं, बट क्योंकि मैम
हम सबको इकट्ठे लेके चलना था, तो मैम ने ऐसा टाइम रखती थी, वीकेंड्स रखती थी या इवनिंग्स रखते थे जब हम फ्री होते थे, तो हम मोस्टली अपने इवनिंग्स और अपने वीकेंड्स जो है वो इस यूनिट में देते थे। और मुझे नहीं लगता कि साइंस के साथ आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज आपको एक प्रेरणा देती है, और सिर्फ किताबों में घुसे रहना और स्टडी करना ही हमारा एम नहीं है। तो हमें रोवर रेंजर्स और स्काउट एंड गाइड सिखाता है कि आप में और क्या क्या क्षमता है और आप और क्या क्या कर सकते हैं। तो जब तक हम वो ट्राई नहीं करते, हमें लगता है शायद हमारा टाइम जाएगा या हमारे पास वक्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान एक अगर डिसिप्लिन से चलता है तो वो हर चीज मैनेज कर सकता है। तो मतलब हम मैं तो सबको ये बोलूंगी कि वी ऑल शुड बी पार्ट ऑफ दिस मीन्स इन स्पाइट ऑफ एनी बैकग्राउंड लाइक दे बिलोंग। आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आपकी स्काउटिंग गाइडिंग, या आप जो एज अ रेंजर आपने धर्मशाला कॉलेज में, आपने बताया कि आप पहली यूनिट जब स्टार्ट हुई थी उस समय की रेंजर रही हैं, तो ये भी एक प्राउड मोमेंट है। तो आप कोई ऐसी स्काउटिंग मेमोरी जो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, जो आपको आज भी बहुत याद हो? ऐसी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं। हम लोग कल्चरल इवेंट्स करते थे, हम लोग अपने हिमाचल के कल्चरल डांसेस किया करते थे, उसमें हम प्रैक्टिस करते थे। फिर हमारा मनाली का ट्रिप हुआ, तो आई वाज पार्ट ऑफ दैट ट्रिप, जो कि बहुत ही यादगार एक हमारा सबका रहा है, माउंटेनियरिंग कैंप इन मनाली। और उसमें भी बहुत सारी यादें हैं। हम लोगों ने ट्रैकिंग किया, रिवर राफ्टिंग किया, और हमने रॉक क्लाइंबिंग किया। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने जिंदगी में कभी पहले नहीं की थी। यूं कहें कि हमको पता ही नहीं होता है कि अरे ये भी हो सकता है, अरे ऐसे भी लोग करते हैं, अरे माउंटेन में चढ़ने को हाइकिंग कहते हैं या ट्रैकिंग कहते हैं, क्योंकि हम माउंटेन में रहते हैं, हम चढ़ते हैं उतरते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि बाहर के लोग आके इसको ये शब्दावली दे देते हैं। तो बहुत रिवर राफ्टिंग, मतलब ऐसी चीजें हैं जो मतलब एक छोटे से टाउन में होने के बाद वी डोंट नो, वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट। सो वहां जाके हमें सब कराया, हमें टीम वर्क सिखाया, हमें सारे टीम्स को इकट्ठे लेके ऊपर पहाड़ों पे लेके गए। सो हम सोलंग नाला, बकर थाच और ब्यास कुंड तक गए। सो वो ब्यास कुंड है जहां से ब्यास नदी का ओरिजिन होता है, तो वो एक इतना अच्छा चीज था जो मैंने अपनी आंखों से देखा। एंड वहां पे मैंने देखा कि लोग मेडिटेशन करने के लिए ऊपर गए हुए हैं। मतलब इट्स सो अमेजिंग, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोवर रेंजर कैंप आई केम टू नो कि ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो पॉसिबल। एंड इसकी बहुत सारी यादें हैं। मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए एंड एक इतना एक यूनिटी दिखाई, यू नो। सो रोवर रेंजर्स में एक चीज हमें सिखाई जाती है कि वी शुड सी वननेस इन ऑल एंड यूनिटी, एंड इफ देयर इज अ वननेस इन ऑल देयर इज अ लव, एंड इफ देयर इज अ लव देयर इज अ पीस, एंड पीस व्हाट वी नीड टुडे, लाइक वी ऑल नीड पीस इन आवर नेशन। सो स्काउट एंड गाइड ने बहुत कुछ सिखाया। और हम इतने डिफरेंट डिफरेंट राज्यों से आए हुए थे, ऑल डिस्ट्रिक्ट से आए थे, और हम इकट्ठे कैंप पे गए, तो एक बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं हमारी उसके साथ। मतलब अगर आपने आप एक के बारे में बोलेंगे तो बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक थाउजेंड्स ऑफ मेमोरीज। सही बात, स्काउटिंग परिवार के साथ बहुत सारी यादें आपकी जुड़ी हुई है। तो आपने कुछ फ्रेंड्स की बात की, आप मेंशन कर सकते हैं किसी फ्रेंड्स को अपने, ताकि वो जब इस वीडियो को देखे तो वो भी याद करे दीप्ति जी आज जर्मनी में है, आपके उस समय के फ्रेंड्स। अगर आप किसी को, अगर आपको किसी, कुछ लोगों का नाम याद हो और आप मेंशन कर सके। हाँ जरूर। तो हमारे सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी हमारे गाइड्स के नाम। राहुल सर थे, और शांता मैम थी, सुप्रिया थी, और मेरे फ्रेंड्स में सीमा थी जो कि हमेशा मेरे साथ थी, रूबी थी, उसके बाद सचिन, विनोद, और एक बहुत छोटा फ्रेंड बना था मेरा, वो उस टाइम 8th क्लास में था, मैं ग्रेजुएशन में थी, उसका नाम रोहित है। तो इस वीडियो के जरिए अगर वो ये देख रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि उसकी दीप्ति दीदी को वो आज भी बहुत याद है। तो ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सीमा, और वो मेरे साथ हमेशा थे। तो बहुत सारे लोग, राधिका, सैंडी, और बहुत सारे लोग, मतलब इट वॉज एंजॉयबल ट्रिप। मतलब आपने एक सप्रिया ग्रुप का मैम, नाम लेना इट्स लाइक वो होगा, लेकिन जस्ट अ फ्यू नेम्स, बट ऑल ऑफ देम आर इन माई हार्ट। बिल्कुल,
आपने सप्रिया मैडम का नाम लिया, मैम आजकल बतौर प्रोफेशनल स्टेट हेडक्वार्टर में सर्व कर रही हैं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में, तो वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो याद करेंगे कि डॉक्टर दीप्ति जो उस टाइम दीप्ति हुआ करती थी वो एडवेंचर कैंप में थी, आज वो जर्मनी में है और मैम एसोसिएशन में सर्व कर रहे हैं, तो वो भी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे आपके स्काउटिंग, ये तो आपकी स्काउटिंग जर्नी की बात हुई, आपकी कैसे कैसे मेमोरीज वगैरह, आपने क्या इस एडवेंचर कैंप के अलावा कोई और कैंप्स वगैरह किए हों कुछ? हमने जम्बूटी हमीरपुर का किया है और धर्मशाला में ऐसे सफाई अभियान और इन सब में पार्ट लिया था रोवर रेंजर्स के जरिए। मतलब आपने बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, ये 2007 की बात, उस जमाने की बात है जब भारत स्काउट्स एवं गाइड्स हिमाचल प्रदेश में कॉलेजेस में खासतौर पे ये रोवरिंग रेंजरिंग स्टार्ट हुई थी, ये मतलब आप जब कॉलेज में नींव पड़ी थी आप उस समय के हैं, तो ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट है कि हम उस समय के किसी से बात कर रहे हैं और वो आज एज अ प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशन वो आज एक एज रिसर्च स्कॉलर या एज अ रिसर्चर काम कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी बात है। तो स्काउटिंग ने किस तरह से आपको मोटिवेट किया कि आप पीएचडी कर पाई, या आपने एमएससी किया, फिर आपने पीएचडी किया, फिर आप आजकल एज अ रिसर्चर काम कर रही हैं, तो क्या आप क्या मानते हैं कि स्काउटिंग कितना रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में? स्काउटिंग ने बहुत सारा रोल प्ले किया क्योंकि स्काउटिंग के जरिए हम डिफरेंट कैंप्स में जाते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं और हमको वहां पे कैंप फायर होता है, हम सबको मौका दिया जाता है आप आगे आओ, आप में जो भी प्रतिभा है आप बोलो। सो वो एक स्मॉल लेवल पे जब सब लोग फ्रेंड्स बन गए होते हैं एंड देन वी से समथिंग, तो इससे क्या होता है कि हम में थोड़ी वो आता है कि आत्मविश्वास आता है कि वी कैन डू समथिंग। सो उससे ऐसा धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर रोवर रेंजर्स के बाद जब मैं कविता लिखने का शौक रखती हूँ, तो मैंने कैंप फायर में कविता बोली, मुझे लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो फिर मैंने धर्मशाला कॉलेज में पार्टिसिपेट किया और आप मानेंगे नहीं उससे पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं गई थी और मैंने वहां पे फर्स्ट प्राइज लिया था। तो ये और इससे मुझे लगा कि मेरा स्टेज फियर खत्म हो गया, एक एक लगता है कि हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ एंड आई ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। सो क्या आपको पता है कितना कॉम्पिटिशन है उसमें, स्काउट एंड गाइड आपको इतने अच्छे तरीके से मोल्ड करता है, आपके आपको इमोशनली इतना स्ट्रांग बना देता है और आपको पता भी नहीं चलता और आपका मेंटल विकास हो रहा होता है और धीरे 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 आपको चीजों से लड़ने की क्षमता, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, टीम वर्क, ऐसी सब चीजें सिखाता है और मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं जो हमें आपको रूल्स पता है, जैसे स्काउट इज अ ट्रस्टवर्दी, लॉयल, हेल्पफुल, फ्रेंडली, बेवरेंट, क्लीन, कटेशियस एंड सो ये सारे रूल अगर सबको पता है, ओबीडियंट, काइंड, तो यही सारे रूल है जीवन की शैली में अगर हम अपना लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं जरूर पहुंचते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्कूल से लेके कॉलेज तक, इवन जीवन के अंत तक हम इससे जुड़े रहना चाहिए, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है सबके। एक बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं तो आज भी स्काउट मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ लेकिन मुझे ये लॉज उतने अच्छे से याद नहीं जितने आपको है, तो एक बहुत अच्छा फील मुझे भी हुआ कि मतलब हम अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मतलब मेरा मेमोरी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे से याद था तो बहुत अच्छा फील हुआ ये बात जानकर। तो आपने कैंप फायर्स की बात की, कोई ऐसी अच्छी सी कैंप फायर मेमोरी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, चाहे वो जम्बूटी की हो, चाहे आपके कॉलेज इवेंट्स की हो, या मनाली में जो इवेंट हुआ था उसकी हो? मैं आपको मनाली का हमारा इंट्रोडक्शन का एक इवेंट बताती हूँ। तो हमारे इंट्रोडक्शन कराना था, तो जिन्हें सबको इंट्रोड्यूस कराना था एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरकीब निकाली। तो जनरली हम इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम क्या, हम अपनी खुद को बताते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से, तो उन्होंने क्या किया हमारे सबके साथ, उन्होंने हमको दो दो लोगों के ग्रुप में बांट दिया। तो वहां पे मेरे साथ जो थी सीमा, उसको मेरे बारे में बताना था और मुझे उनके बारे में बताना था। तो इट्स लाइक कि पहले मैं सीमा को बताऊंगी कि मैं ये कर चुकी हूँ, फिर सीमा अपने वर्ड्स में मेरे को डिस्क्राइब करेगी और वैसे ही सीमा मुझे बताएगी और मैं अपने वर्ड्स में सीमा को डिस्क्राइब करूंगी। तो ये ऐसा स्काउट एंड गाइड्स रोवर रेंजर्स आपको ऐसी चीजें करवाता है कि आपने
अपने आप को किसी और की नजर से कैसे देखा, तो वो एक बहुत अच्छा एक मेरी याद थी जो फिर सीमा ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। और हमारे एक फ्रेंड थे सचिन, है अभी भी, मतलब मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड है वो, तो सचिन का ग्रुप शालू के साथ बना था और उन्होंने फनी वे में कैसे किया कि उन्होंने गाने के जरिए एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराया। सो वो बहुत अच्छा एक मेरा बहुत अच्छी मेमोरी में है वो। जैसा कि आपने बताया कि आप कविताएं लिखती थी, यदि आपको कविताओं की, अपनी कविताओं की कोई दो पंक्तियां याद हो और वो आप हमारे दर्शकों को सुना सकें। जरूर। सो मैं आज आपको जिंदगी के स्ट्रगल्स में मोटिवेट करने के लिए एक दो लाइनें जो मैं खुद को सुनाती हूँ जब मैं किसी अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रही होती हूँ, तो मैंने लिखा है कि तुझे जिंदगी की जिद नहीं तो तू जिंदा नहीं, तुझे जिंदगी की जिद नहीं तो तू जिंदा नहीं, तू खुशी अगर तेरी खुशी पे तेरा हक नहीं तो तू जिंदा नहीं, अगर तू आंसू बहा के जी रहा है तो तू जिंदा नहीं, तुझे जिंदगी की जिद नहीं तो तू जिंदा नहीं, जिंदा होके भी जिंदा नहीं तो तू जिंदा नहीं, रेस से दूर सही पर लंगड़ा कर चलने को जिंदगी कहते हैं, अगर पैर होते हुए भी तू लंगड़ा कर चल रहा है तो तू जिंदा नहीं, अगर तुझे जिंदगी की जिद नहीं तो तू जिंदा नहीं। क्या बात बहुत अच्छी, एक कहते ना हमने जैसा बताया दर्शकों को कि एक मोटिवेशनल सी हमारा आज का एक सेशन होने वाला है, तो सच में एक बहुत मोटिवेशनल सी कविता आपने हमारे मध्य रखी। आपसे बात करके अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो अब मैं जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब कॉलेज में जब आप रोवरिंग रेंजरिंग करते थे, आप रेंजर कहते ना, आपने कहा कि जो मतलब एक संपूर्ण विकास या आपके जो कौशल में विकास होता है वो आज के दौर में कितना हेल्प करते हैं आपने, जैसे आपने बताया स्टेज के बारे में कि आप उस टाइम पहली बार स्टेज पर चढ़े थे, तो आज वैसी चीजें आज आपको कितना हेल्प करती है जो आपने उस समय की हुई है, खासतौर पर स्काउटिंग में जो आपने किया हुआ है। आज एक्चुअली मैं आपको सच बताऊं तो हमें इस जहां पे मैं हूं, हमें प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जो कभी किसी ने नहीं किए, और एज ए रिसर्च साइंटिस्ट आपको वो चीजें प्रूव करनी है जो पहले दुनिया में नहीं हुई हैं, एंड आपके पास कोई हिस्ट्री, कोई बैकग्राउंड, ऐसी चीजें नहीं रहती है, तो हमको वो एज एन टास्क लेना होता है एंड हमें अपने आप को प्रूव करना होता है। तो जैसे जर्मनी में मैं इंडिया से हूँ जो कि डेवलपिंग कंट्री है और ये डेवलप्ड कंट्री है, तो हर मेरे को भी डर था यहाँ आने से पहले कि शायद ये लोग मेरे से बहुत आगे हैं या शायद मैं इनके साथ कम्पीट नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा वो डर खत्म हो गया। और आई थिंक इसका श्रेय स्काउट गाइड या रोवर रेंजर यूनिट्स को जाता है, और आई थिंक सविता मैम को मोस्ट ऑफ द श्रेय जाता है। तो उसमें हमें सिखाते थे, हमें ट्रेजर इन हंट जैसी एक्टिविटीज सिखाते थे, हमें डिफरेंट टास्क दिए जाते थे, हमें हमें बहुत कुछ सिखाया जाता था, तो हमें कैंप फायर में बोलना सिखाया जाता था हमें, तो इससे अभी मेरे को कैसे हेल्प मिलती है कि हम प्रेजेंटेशंस देते हैं, तो प्रेजेंटेशंस में अपने आप को क्लैरिटी, आप कैसे बोलो, तो वो स्टेज फियर जो मेरा वहां खत्म हुआ है वो यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। सो और अगर आप कॉन्फिडेंट दिखना, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे में रोवर रेंजर यूनिट्स के थ्रू आया था, तो क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो शायद मुझे कोई जानता भी नहीं होगा कि ये कोई लड़की है या समथिंग, लेकिन उस चीज ने मेरे मानसिक तौर पे मुझे इतना विकास दिया और इतना स्ट्रांग बनाया कि मुझे लगा कि नहीं, आई कैन डू समथिंग। तो एक वो एक अपने आप पे विश्वास पैदा कराया रोवर रेंजर यूनिट ने, जो कि यहाँ पे बहुत यूजफुल होता है। अब यहाँ पे हम लोग किसी से कम नहीं, अब मुझे अपने आप को ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से कम हूँ, और मुझे लगता है कि हर भारतीय को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम एज एन भारतीय और एज एन इंडियन हम यहाँ पे किसी से कम नहीं है, और लोग बल्कि अब तो सिचुएशन ऐसा है लैब में कि लोग हमारे मेरे मतलब जैसे जो भी इंडियंस हैं उनके एग्जाम्पल्स देते हैं कि वर्क लाइक हर और सी हर कि हाउ शी इज डूइंग, ऐसे होता है, तो इट्स लाइक प्राउड टू मी एंड प्राउड, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो एक हार्ड वर्क और जो स्मार्ट वर्क और जितने
प्रिजर्वेरेंस जो इंडियंस में है वो यहाँ पे नहीं है, तो ये लोग तो थक जाते हैं पर इंडियंस कभी थकते नहीं है काम करने से। तो मुझे लगता है कि वो जो ना थकना और वो हार्डवर्क जो है वो भी स्काउट एंड गाइड और रोवर रेंजर्स यूनिट की देन है। आपकी ये बातें जो हमारा कार्यक्रम का शीर्षक भी है वंस अ स्काउट ऑलवेज अ स्काउट, उस चीज को बताती है कि स्काउटिंग मूवमेंट बहुत जगह या बहुत हद तक आपको बहुत सारे क्षेत्रों में आपकी मदद करती है। और आप आज हमारे हम सभी भारत स्काउट्स एवं गाइड्स जो हिमाचल प्रदेश है उसके लिए आप प्राउड हैं कि आप एज अ रिसर्चर आप जर्मनी में अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हुए मैम हम जानना चाहेंगे कि एज अ स्मॉल टाउन गर्ल स्काउटिंग करना, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना, IIT में पढ़ना और एक जर्मनी में जॉब करना, ये जर्नी कैसी मतलब किस तरह से बिल्ड हुई? ये मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब मैंने सबसे पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी, तो आफ्टर माय ग्रेजुएशन। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना और आज से आपको पता है कि एकदम से अलग सिलेबस, एकदम से अलग स्ट्रगल शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम लोग थोड़े मॉडर्न नहीं होते हैं, हम लोग टाउन से होते हैं। तो वहाँ पे और उन लोगों को हमसे ज़्यादा एडवांस पढ़े हुए होते हैं वो लोग, तो उन लोगों से कंपटीशन करना, इवन कि मेरे लिए तो पास होना एक चैलेंज बन गया था उस टाइम पे। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने दिल्ली के फर्स्ट सेमेस्टर में 45% मार्क्स लिए थे, जो मेरी जिंदगी के सबसे लोएस्ट ग्रेड्स में शामिल हैं। तो उसके बाद मैंने लास्ट सेमेस्टर तक आते आते 75% से पास किया। तो वो क्योंकि मैंने सिर्फ अपने लिए एक चीज ठान के रखी थी कि अगर हारना ही है तो स्ट्रगल करके हारती हूँ, मतलब लड़के हारती हूँ, जंग में जाके हारती हूँ। तो मैदान में उतरो तो सही, तभी पता चलेगा कि आप कितने काबिल हैं। तो मैंने सोचा कि चलो लेट मी डू इट। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, लाइब्रेरी जाना किया, फॉरेन ऑथर्स के बुक्स पढ़ना शुरू किए जो कि हमें हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में इतना नहीं पता होता है। हमने पढ़ी होती हैं बुक्स लेकिन एक या दो, पर यहाँ पे हमें सारा ही सिलेबस फॉरेन ऑथर्स से पढ़ना होता है। तो वो सब मैंने शुरू करना शुरू किया एंड विद गॉड ग्रेस और मम्मी पापा के आशीर्वाद से और सब चीजों से मैंने वो पास किया। उसके बाद मैंने एज अ रिसर्च असिस्टेंट बैंगलोर में गई और बैंगलोर में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी JNCSR से वो जो इसे प्रोजेक्ट किया जो कि कोलैबोरेशन में था BARC बार्क मुंबई में। और वहाँ पे भी आपको पता है जैसे बैंगलोर एक शहर है जहाँ पे हम हिंदी नहीं बोली जाती है, वो कर्नाटका का एक शहर है तो उनकी कन्नड़ा लैंग्वेज है और वो लोग आपको आइदर कन्नड़ा आनी चाहिए आइदर इंग्लिश। तो मेरे लिए एक सोर्स था कि मुझे इंग्लिश में बात करनी थी और आपको पता है कि हम इतने रिजर्व होते हैं कि इतने आसानी से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो वो भी एक स्ट्रगल मैं कहूंगी मेरे लिए था, मे बी किसी औरों के लिए इतना ना हो, बट ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो किसी को नहीं पता कि शायद आपके लिए वो बड़ी बात है और किसी के लिए वो कुछ बात ही नहीं है। तो ये मेरी जो मैंने फेस किया मैं वो बता रही हूँ कि बहुत अलग होता है कि अपनी भाषा से दूसरी भाषा में अपने सारे विचारों को प्रकट करना। और बट साइंस द थिंग कि उसमें लैंग्वेज डजंट मैटर, बट आपको एक सोसाइटी में भी रहना पड़ता है, बट सोसाइटी में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड उसके बाद मैंने एक एग्जाम क्लियर किया और फिर मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से PhD करने लगी जो कि मैंने पिछले 5 साल में किया है। और एज एन PhD स्टूडेंट और केमिस्ट्री में PhD इज नॉट दैट ईजी, मेरे सभी PhD के दोस्त जानते हैं कि हमने सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक अपना काम करते थे, हम लोग सैटरडे संडेज हॉलीडेज नहीं लेते थे। और उसके बाद हम लोग मतलब कि हमें फेलियर्स हैं हमारी लाइफ में, पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है, आपको पढ़ना है, प्रेजेंटेशन बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स करने हैं और आपके पास 5 साल हैं और आपके पास फैसिलिटीज कम है, इंडियन गवर्नमेंट उतना पैसा नहीं देती है साइंटिफिक कम्युनिटी को। तो उन सब चीजों में हम मतलब अगर छोटी छोटी चीजें मैं बोलूँ तो हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जो जहां मैं अब हूँ ये लोगों के पास मशीनें हैं, इनके पास लेबर है,
उनके पास बहुत कुछ है जो हमारे पास इंडिया में एक पीएचडी को खुद करना पड़ता है। तो फिर उसके बाद बाय गॉड ग्रेस मैं इधर आई जर्मनी में, मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट। सो यहाँ पे मैं अब हम रिसर्च करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने देखा तो लोग बहुत डेवलप्ड हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मशीनरी है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को करने की जरूरत ही नहीं है। तो उस वे में जैसे कि आपने मेरे से पूछा था कि धर्मशाला से एज अ स्मॉल टाउन से और जर्मनी जैसे डेवलप कंट्री में कितना डिफरेंस लगता है, तो इट्स लाइक इट्स लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि यहाँ के लोगों को वो चीजें पता ही नहीं है जो हम डे बाय डे लाइफ में हम इंडियंस जैसे स्ट्रगल करते हैं। बट ये मैं सबको बोलना चाहूंगी इस इंटरव्यू के जरिए कि इंडियंस किसी से कम नहीं है, और हम में जो पावर है, जो डिसिप्लिन है, जो हार्डवर्क है, वो दुनिया में शायद ही कहीं मिलता है। और जो सच्चाई है हम लोगों में, जो ऑनेस्टी है, वो यहाँ लोगों में नहीं है, एंड उसी की वजह से ये लोग हमें यहाँ जानते हैं। शुरू में तो लाइक व्हेन आई केम, सो इनको दे डोंट गिव अस डैम, लाइक उनको इंडियंस मतलब जस्ट लाइक दैट दे विल टेक अस, लाइक दे आर नॉट वेरी गुड और समथिंग लाइक दैट। बट जैसे जैसे टाइम पास होता है एंड दे कम टू नो कि आप कितने कैलिबर हैं, आप कितना कुछ कर सकते हैं, देन दे स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज यू एंड योर पोटेंशियल एंड देन दे स्टार्ट टू वैल्यू। सो एक अच्छी चीज यहाँ ये है कि इफ यू हैव समथिंग इन यू देन दे विल रियलाइज एंड दे विल अप्रिशिएट, तब वो आपको सप्रेस नहीं करेंगे, तब वो आपको बढ़ावा देंगे। तो एक वो मतलब बहुत डिफरेंस लाइफ स्टाइल अगर आप बोले तो बहुत अलग है, इनकी सोच अलग है, इनका खाना अलग है, इनका रहना सहना अलग है, हमारी वैल्यूज अलग है, बहुत बहुत कुछ अलग है। एक मॉरल और एथिकल वैल्यूज का कहीं ना कहीं फर्क तो आपको नजर आता होगा। तो मैं यहाँ मतलब इस जो वंस अ स्काउट ऑलवेज अ स्काउट इस मंच के माध्यम से जो आपके साथ बातचीत है, ये एक प्राउड मोमेंट है सभी जो हमारे खासतौर पर जो लड़कियां हैं, गाइड्स हैं, रेंजर्स हैं, एडल्ट लीडर फीमेल्स हैं, कि वो भी अपना एम्पायर इतना बड़ा बिल्ड कर सकते हैं, एक स्मॉल टाउन से लेकर एक जर्नी बहुत आगे तक की जर्नी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कोई स्काउटिंग मेमोरी जो आज भी आपने संजो करके रखी हो आपके आसपास हो, जो आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहें, आपके आसपास हो तो हम जरूर देखना चाहेंगे। स्काउटिंग मेमोरीज तो मेरे पास मेरी सारी यादें स्काउटिंग से जो जुड़ी हैं वो मेमोरीज हैं, तो एक किसी एक याद में मैं नहीं, मेरे पास 1000 मेमोरीज हैं स्काउटिंग की। तो मुझे स्काउटिंग से बहुत कुछ ऐसे मेमोरेबल चीजें मिली हैं। जैसे कि मैंने आपको मैं बताती हूँ एक इंसिडेंट, जब हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा था कैंप फायर में, तो जब हम मनाली ट्रिप में गए थे तो हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो हमारी शांता मैम हमारी गाइड थी, तो उन्होंने हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला। तो हमने जब इंट्रोड्यूस किया तो उसमें उन्होंने ऐसे क्या होता है कि हम अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें उन्होंने कैसे किया कि हम दो दो के ग्रुप में हम सबको बांट दिया, एंड जैसे मुझे मेरी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस कराना है और मेरी फ्रेंड को मुझे मेरे बारे में बोलना है। तो इससे क्या होता था कि आप दूसरे की नजर से खुद को देखते थे, तो आपको पहले आप समझाओ अपनी फ्रेंड को कि हाँ मैं ये हूँ, और फिर उस फ्रेंड की नजर से आप सबको बताएंगे कि आप क्या है, विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल आइडिया। सो उसके बाद तो इससे वो मेरी बहुत अच्छी यादों में शामिल है। तो वहां पे मेरा एक फ्रेंड था सचिन, जिसने उसका ग्रुप बना था शालू के साथ, एंड वो शालू लड़की अभी इस दुनिया में नहीं है, बट दैट वॉज अ गुड मेमोरी दैट टाइम। तो उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को एक गाने के जरिए इंट्रोड्यूस कराया था, एंड विच वॉज वेरी वंडरफुल थॉट ऑफ हिम, विच वॉज वेरी गुड मेमोरी ऑफ माइन ऑल्सो। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ जो आज भी आपके आसपास हो स्काउटिंग का, जो आप आज भी जर्मनी में अपने आसपास रखती हो स्काउटिंग का, कोई भी ऐसा टोकन, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट, कोई भी ऐसा फोटोग्राफ जो आप हमारे दर्शकों को दिखा सकें? सो ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सबसे प्राउड सर्टिफिकेट्स में से है, और जो कि मैं कहीं नहीं छोड़ती, मैं अपने हमेशा अपने साथ रखती हूँ,
और जब आप सबसे शेयर करती हूँ, तो सबसे पहले हमने माउंटेनियरिंग का कैंप लगाया था, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। सो ये हमारा फर्स्ट कैंप था और ये सर्टिफिकेट हमें 2008 में मिला। तो 25 जून 2008 से लेके 4 जुलाई 2008 तक का है, तो ये हमारा माउंटेनियरिंग कैंप का सर्टिफिकेट है। और फिर हमने जम्बूटी किया था हमीरपुर में, ये उसका पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। और एक और मेरे पास याद थी, जब मेरी मैम ने मुझे इस काबिल समझा, उन्होंने मुझे बेस्ट रेंजर का अवार्ड दिया था, तो वो एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। क्या बात है, कहते हैं स्काउटिंग मेमोरीज आपके आसपास हैं, हम उन लम्हों को जी रहे हैं। एक बहुत अच्छी स्पिरिट आप में नजर आई। तो इस कार्यक्रम को बाइंड अप करते हुए अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो स्काउटिंग परिवार के सदस्य हैं उनको अपनी तरफ से एक मैसेज दें कि वो किस तरह इस पैंडेमिक की सिचुएशन में और किस तरह अपने जीवन में स्काउटिंग को कंसिडर करते हुए, स्काउटिंग मूवमेंट के एथिक्स को कंसिडर करते हुए एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। अगर हम एक अच्छे स्काउट हैं और हम में वो वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताई, हमारी वो ट्रस्टवर्दी, लॉयलनेस, हेल्पफुलनेस, चीयरफुलनेस। तो चीयरफुलनेस एक ऐसी क्वालिटी है कि आप खुद को भी चीयरफुल रखें एंड अपने आसपास वालों को भी चीयरफुल रखें। सो पर्टिकुलरली इन दिस सिचुएशन व्हेन देयर इज अ पेंडेमिक ऑल अराउंड, सो वी ऑल शुड नॉट गो टू द जोन वेयर वी आर थिंकिंग दैट वी कांट डू एनीथिंग इन दिस लाइफ। सो हमें देखना है कि व्हाट वी कैन डू, बिकॉज ये आज का समय है, 2020 है, जहाँ पे इतना सारा फ्री टाइम मिलना इज अ बून फॉर अस। सो इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं, हम वो चीजें कर सकते हैं जो हमने जिंदगी में कभी सोचा हो या जो हम कभी कर ना पाए हो, क्योंकि टाइम नहीं रहता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, तो ये बहुत अच्छा एक टाइम है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने इस टाइम को एक अच्छी चीज में, अपनी अच्छी क्वालिटीज में स्पेंड करें और अपने आप में एक ऐसी प्रतिभा को उजागर करें जो आपने आज दिन तक ना की हो, एंड विच कैन ऑल्सो बी अ गुड ट्रिब्यूट टू अवर नेशन। सो मेरा यही एक संदेश है सबके लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी अपनी यादें स्काउटिंग से जुड़ी हुई अपने करियर के बारे में जानकारियां हमारे साथ साझा की। मैं भारत स्काउट एवं गाइड्स हिमाचल प्रदेश की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं चाहूंगा कि जिंदगी में आने वाले 1-2-3-4 सालों में कभी भी आप भारत आए तो हमारे स्काउटिंग इवेंट्स में जरूर पार्टिसिपेट करें। हिमाचल आपको हमेशा याद करता है और हमेशा याद करता रहेगा। आज आप भले ही आप जर्मनी में हैं, लेकिन आप स्काउट परिवार की सदस्य हैं और बतौर एक सदस्य ये हमारा भी फर्ज बनता है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वापिस जरूर आए, हम किसी इवेंट में मिले, एक इवेंट करें। इसी के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।